नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी नमो विष्णु पादाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आदि जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? लाउड एंड क्लियर, फाइन। तो हमारा ये श्लोक था, आप पढ़ेंगे भारती जी फिफ्थ वाला या सिक्स्थ वाला? पांचवा, छठा, पांचवा। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। दुष्ट केतु शेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजी कुंती भोजश्च शैवश्च नर पुंडव। इनके साथ ही दुष्ट केतु चेकितास, हाँ जी, सिक्स वाला, अच्छा, युधा मनुष्य विक्रांत, हाँ जी, गाके पढ़िए, गाके जैसे, गाके, वो गाके ना मुझसे हिंदी में होता है, मुझसे भी संस्कृत में आदत नहीं पड़ी मुझे। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम जाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। गुड। और इसके वो पढ़िए हिंदी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो ये कौन किसको बोल रहा है? दुर्योधन तो, बता रहा है ना अभी? हाँ, दुर्योधन बता रहा है, पर किसको बता रहा है? दुर्योधन जो है ये द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हे द्रोणाचार्य कि आप देखिए हमारी आर्मी में कितने सारे लोग हैं, नहीं उनकी आर्मी में कितने सारे लोग हैं, उनकी आर्मी में कितने सारे योद्धा हैं, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है डिप्लोमेसी का, यहाँ पे पॉइंट जो आता है कि बार बार जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को हमेशा द्रुपद की लाइन में लेके जा रहा है, द्रुपद के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो दुर्योधन है बार बार द्रोणाचार्य को द्रुपद के बारे में ही बताता जा रहा है कि ये देखो द्रौपदी के पुत्र देख लो, ठीक है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमजा देख लो। उत्तमजा कौन है? अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ठीक है, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र आप देखिए। तो बार बार जो है वो उसकी जो दुखती हुई नस है उसके ऊपर बार बार दुर्योधन क्या हाथ धो रहे। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? कोई बता पाएगा? हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य को बार बार द्रुपद द्रौपदी और दृष्टद्युम्न के बारे में क्यों बोलते रहते हैं? द्रुपद और दुर्योधन का वो, सॉरी, द्रुपद और द्रोणाचार्य का पहले का हिसाब चल रहा था, तो इसलिए बार बार के वो तुम्हारे अपोजिट में है, तो क्या वो इम्पार्शियल रह पाएंगे? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमने ये कहानी सुनी थी कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों जो थे एक ही बार गुरुकुल में पढ़ते थे बचपन में, और जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य को प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, जैसे मैं राजा वैसे तुम राजा। तो जब द्रोणाचार्य जो थे जब बड़े होते हैं और गरीबी में होते हैं और वो देखते हैं कि उनका जो पुत्र है अश्वत्थामा उसको कुछ खाने पीने को नहीं है, तो वो द्रुपद के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना आधा किंगडम दे दो, तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो तो तुम अपना आधा राज्य मुझे दे दो। पर तब द्रुपद उनको हंस के कहता है कि तुम ब्राह्मण हो और बचपन में की गई बातों को वो चपलता होती है, बाल चपलता होती है, मतलब बच्चों वाली बात है, उसको तुम अभी मत लेके आओ, तुम एक ब्राह्मण हो और अगर तुम्हें ब्राह्मण के तौर पे कुछ चाहिए तो मेरे से ले लो, लेकिन तुम मेरे से आधा राज्य नहीं मांग सकते और ना ही तुम मुझे अपना मित्र बना सकते हो। तो तब द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आता है और तब वो अर्जुन और ये पांच पांडवों को और कौरवों को ट्रेन करता है कि जाओ मेरे लिए बदला लो, द्रुपद को
हराओ और द्रुपद का किंगडम जो है उसका राज्य मेरे को लिए जीत के लाओ। तब अर्जुन जो होता है द्रुपद का राज्य जीतता है और वो द्रोणाचार्य जो होता है अपना आधा राज्य जो है, जो अपना आधा राज्य है वो कहता है कि लो द्रुपद अब ये आधा राज्य तुम ले लो, आधा राज्य मैं रखता हूँ और अब हम जो है वो एक सेम लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। तो तब कहते हैं कि अब हमारी बराबर की दोस्ती है। तो हम इस चीज से क्या सीखते हैं कि द्रोणाचार्य फिर द्रुपद जो होता है बदला लेने के लिए क्या करता है, एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है जिसमें द्रौपदी आती है और दृष्टद्युम्न आते हैं। दृष्टद्युम्न को यह वरदान होता है कि वो द्रोणाचार्य को मार देंगे, द्रोणाचार्य को खत्म कर देंगे। तो अब ये सारी सीख मिलने के बाद हमने पहले वर्ष में देखा था कि बार बार जो दुर्योधन होता है द्रुपद द्रोणाचार्य को ये बताता है कि तुम्हें अच्छे से फाइट करना है नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे, पर बार बार वो द्रौपदी और इन सारी चीजों का क्यों बार बार लिंक लेके आता है कि उसको द्रुपद के बारे में कराने के लिए, उसकी दुश्मनी को जगाने के लिए कि तुम्हें वो दुश्मनी को करना है, मतलब तुम्हें फाइट करना है, अच्छे से फाइट करना है। अगर तुम अच्छे से फाइट नहीं करोगे तो दृष्टद्युम्न तुम्हें मार देगा। उसका जो उत्पन्न हुआ है वो यज्ञ अग्नि से जो उत्पन्न हुआ है वो तुम्हें मार देगा। अब इन सारी कहानियों से, इन सारी परिस्थितियों से हमें क्या सीख मिलती है, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? जो इसने पहले दिया हुआ है पराक्रमी युद्धमन्यम अत्यंत शक्तिशाली उत्तमजय सुभद्रा के पुत्र, तो ये जो युद्ध अमन्यु है और उत्तमजय है ये भी पंचाल के प्रिंस है। जहां से द्रौपदी आई थी जो द्रुपद था पंचाल देश था, ये भी दोनों जो प्रिंस हैं युद्धमन्यम और अत्यंत शक्तिशाली उत्तमजय। तो इसमें देखिए कितने रेफरेंस आ गए पंचाल नरेश के। पहला रेफरेंस इन दो प्रिंस का आ गया और दूसरा फिर रेफरेंस आ गया कि द्रौपदी के पांच पुत्र ब्रेव पुत्र। तो बार बार वो द्रुपद की तरफ ही क्यों इंडिकेट कर रहा है जबकि ये दोनों जो प्रिंस थे इतने ब्रेव नहीं थे और ना ही हम पूरी महाभारत में द्रौपदी के पांच पुत्रों की कोई ऐसी कहानी सुनते हैं एक्सेप्ट ऑफ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के सिवा। हम पूरी महाभारत में सीरियल में भी आपने देखा कि ये युद्धमन्यन और उत्तमजय का कहीं पे नाम नहीं है कि ये बहुत पराक्रमी हो या कुछ हो, या द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे वो भी सुपर पराक्रमी हो, बहुत ज्यादा ब्रेव हो। तो फिर बार बार दुर्योधन इन लोगों का नाम क्यों लेता है? एक डिप्लोमेसी खेल रहा है कि भैया द्रोणाचार्य को बोलने के लिए कि ये पंचाल के जितने भी लोग हैं ये तुम्हें मार देंगे, ठीक है। अब सबको समझ आ रहा है या मैं रिपीट करूं? डिप्लोमेसी समझ आ रही है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इससे अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। ये दुर्योधन की डिप्लोमेसी है, इससे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, हमें क्या इससे सीख मिलती है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? भारती जी आप अटेम्प्ट करना चाहेंगी? नहीं, मैं बीच में एक आध पॉइंट मिस कर चुकी हूँ ना लास्ट टाइम, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। एकता एक मेंटल गेम लेकिन वो खेल रहे हैं, उसको थोड़ा भड़काने वाला जिसे हम कहेंगे कि मतलब माइंड गेम बेसिकली वो प्ले कर रहा है कि किसी तरह से द्रोणाचार्य को कन्विंस कर सके। एक बात था कि द्रोणाचार्य की वीकनेस थी कि वो इनसिक्योर रहते थे अपनी फैमिली को लेके, इनसिक्योर रहते थे अपने बेटे को लेके, और आज के हम कलयुगी जीव जो है हम कितने इनसिक्योर है, हम कितने इनसिक्योर हैं कि द्रोणाचार्य भी वो थे कि हम मैं द्रोणाचार्य हूँ और मैं जो हूँ कुरु का आचार्य हूँ और इतने बड़े हस्तिनापुर का मैं आचार्य हूँ, और थर्ड जो ये मेरे को ये द्रुपद है या दृष्टद्युम्न है ये मेरे को मार सकते हैं, ठीक है। पर ये चीज करके उन्होंने सही और गलत का स्क्रूटनी उनका खो गया कि क्या सही था क्या गलत था, किसके साथ हमें लड़ना है किसके साथ। और फिर दुर्योधन ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया बार बार, चाहे वो कितने भी ब्रेव प्रिंस क्यों नहीं थे,
जो जिनके वो नाम ले रहे हैं द्रौपदी के पांच पुत्रों के, और जो उत्तमजय और ये युद्धमन्यु का नाम ले रहे हैं, जो कि पंचाल नरेश पंचाल के ही प्रिंस थे, इतने ब्रेव नहीं थे, फिर भी बार बार क्या होता है एक दुखती हुई नस को टीस करते रह रहे हैं, ताकि जो द्रोणाचार्य का गुस्सा वो कभी भी नीचे ना आए। द्रोणाचार्य जो है वो फाइट करते रहे और वो अपना मॉरल्स जो है खो दे, कि मतलब चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वो युद्ध जो है दुर्योधन के लिए जीत ले। तो हमारी भी आज की परिस्थिति क्या है कि हम जितने ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, हमारा घर, हमारे रिलेशनशिप, हमारे सारी परिस्थितियां, हम जितने भी ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, उन इस इनसिक्योरिटी को और क्या क्या बढ़ा सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये दुर्योधन है। तो आप देखिए आपकी लाइफ में कौन दुर्योधन है, आपकी पड़ोसन, और आप कितने सारे दुर्योधन का कर सकते हैं कि जो आपकी इनसिक्योरिटी बार बार आने वाले फोन कॉल्स, मैम लोन ले लीजिए, आप देखिए उन्होंने ऐसा करा है, उन्होंने ये किया है, आप बड़ा घर बनाइए, सपने बड़े देखिए। तो यही तो चीज धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को दी। द्रोणाचार्य क्या था, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का क्या फर्ज होता है, ब्राह्मण का फर्ज होता है कि वो शिक्षा का दान करे और जो भगवान उसको दे उसी में संतुष्ट रहे, ज्यादा राज्य उसमें ना जाए, और अपने ज्ञान को करे और अपने शरीर का मोह ना करके अपर नॉलेज की तरफ जाए, ऊपर वाली नॉलेज की तरफ जाए। सबसे क्या है आत्मा, आत्मा का देखा मतलब होता है एक घर से भिक्षा लेके फिर दूसरे घर से जाके हमेशा एक ही घर पे भिक्षा नहीं लेना। तो ब्राह्मण का जो फर्ज होता है, जो पहले चार डिवीजन हुआ करते थे सोसाइटी के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और फोर्थ शूद्र। तो जो सोसाइटी थी इन चारों में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो ब्राह्मण का था, लग रही है भाटी जी आपके नेटवर्क में इश्यूज है। ओके लेट मी चेक, आपकी भी पिक्चर आती जाती दिख रही है मेरे को। सो ब्राह्मण को आत्मा के ज्ञान को ऊपर लेके जाए, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होते वैश्य, वो होते बिजनेसमैन, कि यहाँ से इंपोर्ट करना है, वहां से एक्सपोर्ट करना है, वो देखते हैं। और होते शूद्र, शूद्र क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें इम्प्लॉयज है, ये शूद्र है। तो हर एक सोसाइटी का एक एक पार्ट होता था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। जब ये सोसाइटी में इंटरमिक्सिंग हो गई कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का भी काम कर रहा है या वैश्य का भी काम कर रहा है या शूद्र का भी काम कर रहा है, तो क्या हो गया, सोसाइटी का पतन होना शुरू हो गया, हम सब नीचे आने शुरू हो गए। और उसका एग्जाम्पल क्या है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो कि एक ब्राह्मण था, जो कि एक आचार्य था, जो कि हर ज्ञान में इतने ज्यादा उत्तीर्ण थे, उसके बाद भी दुर्योधन जैसे क्षत्रिय की बातों में आके बार बार द्रुपद द्रुपद, जबकि डेस्टिनी का फैसला था, दृष्टद्युम्न जो पैदा हुए थे वो द्रोणाचार्य के वध के लिए ही पैदा हुए थे, ये डेस्टिनी की स्टैम्प थी, जैसे ये कहते हैं ना नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो उनको अपने ज्ञान को यूज करके ये करना था कि ठीक है दृष्टद्युम्न के हाथों मेरी मृत्यु हो गई, कम से कम मैं सही का साथ तो दूं, मैं गलत तो ना करूं। अब द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा गलत किसके साथ किया महाभारत के युद्ध में, कोई बता सकता है? द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा गलत, जब उन्होंने अपने मॉरल्स लूज किए थे महाभारत के युद्ध में, किसके साथ की? साथ अर्जुन के बेटे को मारने के लिए, अभिमन्यु को। जी अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा गलत किया। उन्होंने एक योद्धा के सामने एक योद्धा होता था, लेकिन अभिमन्यु के वध के समय सात योद्धाओं ने अभिमन्यु को मारा था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ब्राह्मण जिसको आत्मा का ज्ञान था, जिसको क्षत्रिय का ज्ञान था,
जिसको हर तरीके के दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे अस्त्र वो चला सकते थे, वो सारी चीजों का ज्ञान था, उसके बाद भी एक करप्टेड क्षत्रिय के हाथों वो बिक गए। एक करप्टेड क्षत्रिय ने उनकी वीकनेस पे बार बार चोट पहुंचा के उनको नीचे गिर दिया। तो आज ये, और हमारा कौन सा चक्र इससे वीक होता है? हमारा स्वाधिष्ठाना चक्र इससे वीक हो जाता है। ठीक है, जब हमारा स्वाधिष्ठाना चक्र इससे वीक हो जाएगा तो हमें डिसीजेस आते हैं। तो अब हम इनसे ये सीखते हैं कि हम कलयुगी जीवों को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, पर हमने अपने आसपास इतने सारे दुर्योधन पाल रखे हैं कि जो हमारे को ऐसी ऐसी चीजों का स्टिमुलस देते हैं। भाई आज वो किटी पार्टी में फलाना डमकाना लेडी ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, मेरे पास भी ऐसी साड़ी होनी चाहिए। फेसबुक पे मैं ये ज्वेलरी का सेट रिपीट नहीं कर सकती, ये क्योंकि फेसबुक पे फोटो डल चुकी है, ये चीज हम दोबारा कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम कितने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी हमारा कितना दिमाग, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। पहले जमाने में चार पार्टी वेयर ड्रेसेस होती थी, हमारी मम्मी कहती थी ये चार आपने वही पहननी है, ये बाहर अंदर की ड्रेसेस है, बाकी घर वाली ड्रेसेस रखो। आजकल कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रहा। तो आजकल हम एक छोटी चीज भी लेने जाते हैं, एक पेंसिल बॉक्स भी लेने जाते हैं, तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, और हम हर छोटी चीज में भी अपनी एनर्जी वेस्ट करके डिसीजन लेते हैं। तो वो जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? वो दुर्योधन का स्टिमुलस है जो हमें हर चीज पे इनसिक्योर करता है। अरे मैंने सही फैसला लिया कि नहीं, टर्म इंश्योरेंस कंपेयर करी कि नहीं, ये सारी चीजें, वॉशिंग मशीन लेने गए आपने कंपेयर किया कि नहीं, अरे सामान लेके आप वापस लेने आने के बाद कहीं मैंने सही किया या गलत किया, ये क्या है? ये इनसिक्योरिटीज है। पहले जमाने में एक छोटा सा डिसीजन हो जाता था, ठीक है। मैं कहती हूँ बड़ी चीजों के लिए डिसीजंस लो, घर ले रहे हो सोच समझ के लो, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पर एक पेंसिल लेने के लिए, एक छोटी ड्रेस लेने के लिए, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट या एक साड़ी लेने के लिए भी अगर हम अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट करेंगे तो ये क्या है? ये दुर्योधन है जो हमें इनसिक्योर करेंगे, और इनसिक्योरिटी से क्या होगा? हमारे डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ेगा। जैसे द्रोणाचार्य के डिसीजन मेकिंग पे कितना फर्क पड़ गया, ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने इतना गंदा काम करा, इतना नीच काम किया कि उन्होंने अभिमन्यु के वध में 7 लोगों को वो करा। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों को डस्ट की तरह ऐसे हटा सकते हो अपने शोल्डर से, छोटे छोटे डिसीजंस को एक शॉट में ले सकते हो, तो आपकी इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी। आप अपने आप को जज कीजिए कि मैं कितना इनसिक्योर रहता हूँ। मैं एक छोटा डिसीजन लेता हूँ तो मैं उसके बारे में कितना सोचता हूँ, मैं ये भी नहीं, और कितना आपको फर्क पड़ता है कि मेरे को पार्टी में ये ड्रेस रिपीट करनी है कि नहीं, कितना आप अपनी स्किन के अंडर कंफर्टेबल है कि नहीं, कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, नाटी हूँ, लंबी हूँ, कितना हम इनसिक्योर। द्रोणाचार्य हमेशा इनसिक्योर रहे, हाय मैं गरीब हूँ, द्रुपद ने मेरे को ऐसा कहा था पर अब द्रुपद मेरा साथ नहीं दे रहा, द्रुपद ने मेरे को कहा था फ्रेंड, उस द्रोणाचार्य ने द्रुपद के कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के कहा कि बोल तू मेरा फ्रेंड है। जी हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कनपट्टी पर रख के बोलो भगवान का नाम लो, मतलब ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है, बचपन की बात क्या हो सकती है। जब आप इमोशंस में इतना ज्यादा बंध जाते हैं कि ये मेरा, वो मेरा, ऐसा मेरा, तो इनसिक्योरिटी आएगी, और इनसिक्योरिटी आने के जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो है गुस्सा बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा क्या है, आपका इंटेलिजेंस चला जाएगा। तब आप माइंड एंग्जायटी होती है, एंग्जायटी के मिला के मिलेगा नहीं, पता नहीं छोड़ देगा, रहेगा नहीं रहेगा, वो तो पागल कर देती है, सब कर देती है। आजकल मैक्सिमम केसेस हमारे पास सारे एंग्जायटी तभी तो है कि ये है ही नहीं हमारे पास, जो नहीं है उसको रो रहे हैं, जो है वो तो देख ही नहीं रहे हम, देख रहे। तो एक पुरानी क्लास में मैंने यही कहा था कि हमें प्रॉब्लम आए तो हमें चार चीजें करनी है, पहले ऊपर देखना है, एक्सरसाइज बताई थी ना, पहले ऊपर देखो कि हाँ ये भगवान जो मेरे मित्र हैं उनका ये प्लान है, वो मुझे इस सिचुएशन में डाल के मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कृष्ण का बच्चा हूँ और कृष्ण जो है वो मेरा बुरा करेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप तो किसी बच्चे का बुरा नहीं करते, मतलब इससे इस प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम में हूँ तो इसमें भगवान ऊपर मेरे को कोई सीख दे रहे। फिर कहाँ देखना है, फिर सामने देखना है। नेक की एक्सरसाइज थी,
पहले ऊपर देखो कृष्ण को पहचानो, फिर सामने देखो कि अब मैं ठीक है, अब मेरा पूरा अंधेरा है तो चलो मैं मोबाइल की टॉर्च तो करूं, अभी इस गिवन सिचुएशन में मैं एक स्टेप तो आगे बढ़ूं कि एक स्टेप में मैं आगे क्या कर सकता हूं, ठीक है। फिर नीचे देखना है, नीचे देखो कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। अभी मेरी ये एक लाइफ सिचुएशन है, जब बचपन में था तो बचपन में मैं रोया करता था कि मेरे नंबर अच्छे आए, अब वो मेरे को मैटर ही नहीं करता, ठीक है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में मेरे को लगता है कि मेरा करियर जॉब अच्छी लग जाए, जब मेरे पास जॉब आ गई तो अब मैं उसके लिए नहीं रोता, अब मैं रिलेशनशिप के लिए रोता हूँ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो सिचुएशन क्या है, हर 10 साल में बदल जाती है। तो क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें क्या करना है, हमें सीख लेनी है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है हमें उससे सीख लेना है, हमें भगवान पे और आश्रित होना है। जितना हम शरणागत रहेंगे, जितना हम आश्रित रहेंगे, वैकुंठा क्या है, कुंठा का मतलब होता है एंजाइटी, हाय 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 कुंठा। और जब हम वैकुंठ, क्या हम इस संसार में वैकुंठ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम कुंठा को छोड़ दें। वैकुंठा, वै का मतलब बिना, और कुंठा का मतलब एंजाइटी, हाय हाय, बिना हाय हाय के क्या है, वैकुंठ है। तो अपने शरीर को क्या हम वैकुंठ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वैकुंठ में कौन बैठते हैं? वैकुंठनाथ। हृदय में वैकुंठनाथ को बिठा लो तो आपका शरीर क्या है, वैकुंठ है। अब फिर आपने सराउंडिंग्स में देखना है, पहले ऊपर कृष्ण, सामने देखो कि हम पहला क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, नीचे देखो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ठाकुर जी मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, फिर सराउंडिंग्स में देखो कि क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरे पास भोजन है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास घर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, चीजें अपने सुधर भी जाती है, ना हमारे कुछ करने से चीजें सुधरती है, ना हमारे पीछे हटने से चीजें सुधरती है। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को करना है, अपनी इंटेलिजेंस को इस स्तर पे बढ़ाना है कि हम सही डिसीजन ले सके, ठीक है। हम कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी जैसे मुझे कुछ, आप देखते हैं मेरे पास 4 बच्चे आए बुखार के, एक तो माँ को पकड़ के रो रहा है, मम्मी 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 मम्मी, दूसरा सो रहा है, तीसरा खेल रहा है, और चौथे को पता ही नहीं उसको बुखार है, वो नॉर्मल है, ठीक है, कई हाइपर हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक गिवन, किसी ने थप्पड़ मारा, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई पत्थर उठा के फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो एक ही स्टिमुलस का कितने डिफरेंट रिएक्शंस है, एक ही चीज के कितने डिफरेंट रिएक्शंस है, वही होता है, क्या होता है, इंटेलिजेंस, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, मेरी लाइफ में ये दर्द आया है, तो उसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। ये बहुत आसान है बोलने के लिए, लेकिन जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो इसको सीखने पे आता है। मैं कहती हूँ मैं भी नहीं करती, मैं भी कई बार रिएक्ट करती हूँ, बहुत बार रिएक्ट करती हूँ, लेकिन हम ये बार बार इसलिए ना कि आपको, बस अपने आप को भी बार बार याद कराने के लिए कि हमें किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना। 10 सेकंड सोचो, ऊपर नीचे सामने और दाहिने बाएं की वो एक्सरसाइज करो, और फिर देखो कि ठाकुर जी क्या सिखा रहे, फिर रिस्पॉन्ड करो, रुक के फिर उसका उत्तर दो, एकदम से मत दो, नहीं तो हम द्रोणाचार्य की तरह बनेंगे, इनसिक्योर बनेंगे, इंटेलिजेंस वीक हो जाएगी, हमारा दिमाग नीचे चला जाएगा, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये जन्म भी खराब होएगा और आगे का जन्म भी खराब होगा। द्रोणाचार्य का देखा था गति कैसे हुई, इतने ज्यादा वो अटैच थे अपने पुत्र से कि भीम ने झूठ बोला अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हाथी मर गया, पर हाथी पे जो बिगुल बज गया तो उन्हें सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब उस समय अपना धर्म भी छोड़ दिया कि मैं युद्ध में आया था, युद्ध करना मेरा परम धर्म ये है, तो वो बैठ गए मैं तो अब तपस्या में बैठा हूं, मैं अब ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, और तभी दुष्टदमयंत ने उसकी गर्दन काट दी। तो जब हम भी इतने एंजाइटी और इनसिक्योर रहेंगे तो हमें भी हमेशा ऐसे लगेगा कि नंगी तलवार हमारे सर पे खड़ी है, नंगी तलवार कभी भी हमारे सर पे गिर जाएगी और हमारा सर काट देगी, ठीक है। तो अभी तक एवरीथिंग इज क्लियर, मैं रिपीट करूं, तो ये हमने क्या सीखा है कि हमें गुस्सा नहीं करना, दूसरा हमें
इनसिक्योर नहीं होना, हमें छोटे छोटे डिसीजंस के बारे में नहीं सोचना कि फेसबुक, अपनी लाइफ में आए छुपे हुए दुर्योधन को पहचानिए, उन दुर्योधन को दूर कीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम उन दुर्योधन को दूर करते रहेंगे, हमारी कुंठा जाती रहेगी और वैकुंठनाथ हमारे हृदय में बैठेंगे और हमारा शरीर क्या बन जाएगा, वैकुंठा, वैकुंठ। तो क्या हमें वैकुंठ मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो अभी 5-10 मिनट में ये क्लास ओवर हो जाएगी और मेरा ऑलमोस्ट टॉपिक भी ओवर हो गया है, पर इसमें ये चीज नोट कर दीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे, युधिष्ठिर से थे पृथ्विंध्या, युधिष्ठिर महाराज से थे पृथ्विंध्या, भीम से थे, तक लिखा है बता रही हूँ, लिखना है आपको। युधिष्ठिर महाराज से द्रौपदी के जो 5 पुत्रों का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, मैं वो बता रही हूँ। हाँ जी बोलो। युधिष्ठिर महाराज से थे पृथ्विंध्या, भीमसेन से थे श्रुत सोमा, अर्जुन से थे श्रुत कर्मा, नकुल से थे श्रुत कर्मा। हाँ जी, नकुल से थे सत्निका, और सहदेव से थे श्रुत सेना। सबका शुत्र शुत क्यों है? तो ये जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, इनको किसने मारा था? अश्वत्थामा ने सोते हुई हालत में मार दिया था। अब यहाँ पे कंट्रास्ट देखो, यहाँ पे एकदम उल्टा देखो कि द्रौपदी, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया कि द्रुपद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें मित्र नहीं माना, उसने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो तुम्हें मारेगा, और द्रोणाचार्य जो हुए वो इनसिक्योर हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये द्रौपदी को मैं इतना गंदे से युद्ध लड़ा कि अभिमन्यु को उन्होंने मार दिया, ठीक है। और यहीं पे द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, और जब अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पकड़ के लाए कि ये तुम्हारा गुनेदार है, मैं इसको मार दूंगा, तो द्रौपदी ने कहा नमत मारो, इसको मत मारो, क्यों? क्योंकि इसकी पिता भी नहीं है और इसकी माता का ये सिर्फ एक ही पुत्र रह गया है, पुत्र को छोड़ने का दर्द मैं समझ पाती हूँ, इसकी माता को मत मारो। तो ऐसा द्रौपदी के 5 पुत्रों को निर्मम तरीके से मार दिया गया, सोते समय मार दिया गया। और यहाँ दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को यही बता रहे कि द्रुपद ने तुम्हें मित्र नहीं माना, एक छोटा उस पे इतना बड़ा वॉर हो रहा है, और यहाँ द्रौपदी के जेन्युइन रीजन था कि उसके 5 पुत्रों को इतनी निर्मम तरीके से मार दिया गया। तो आप ये कॉन्ट्रास्ट देख पा रहे हैं, और द्रौपदी ने फिर ऐसे कैसे क्षमा कर दिया? क्यों? क्योंकि उसने कुंठा छोड़ रखी थी, उसने वैकुंठनाथ को अपने हृदय में बिठाया हुआ था, उसके साथ कृष्ण थे, ठीक है। कई बार लाइफ के बड़े डिसीजंस भी हम सिंपली ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भगवान पे निर्भर होते हैं, हम शरणागति की स्टेज पे होते हैं कि हम भगवान पे बहुत अच्छी तरह से निर्भर है, और कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम हाय तोबा मचा देते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने किसको मारा? अभिमन्यु को मारा। क्यों मारा? क्योंकि दुर्योधन ने बार बार उनको पिक किया कि तुम जो है अच्छे से वॉर नहीं लड़ रहे, और वहां देखो द्रुपद तुम्हें मार देगा, द्रुपद तुम्हें मार देगा, जिसने तुम्हें मित्र नहीं माना। तो आप ये कंट्रास्ट देख पा रहे हैं कि द्रौपदी ने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं माफ कर सकती हूँ, वो कितनी बड़ी हुई, क्यों? क्योंकि कृष्ण पे शरणागति थी। तो हमें क्या सीखना है कि अगर मुझे डिसीज से फ्री रहना है, अगर मेरे को डिसीज फ्री रहना है, और अगर मेरे को फॉरगिव करना है, किसी को माफ करना है, यदि मेरे को हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को सेफ करके चलना है, तो मेरे को कृष्ण पे निर्भर रहना पड़ेगा, मुझे कृष्ण पे शरणागत रहना पड़ेगा, मुझे एक ऐसे हायर पावर से कनेक्ट रहना पड़ेगा कि जो मुझे बार 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 पावर देते रहे। तो ये श्लोक का जो हिडन मीनिंग है कि एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तो द्रोणाचार्य को बार बार बताने के लिए कि भैया तुम्हारा छोटा सा डिसीजन, छोटी सी चीज तुम्हारी इधर से उधर गई, तुमने वैकुंठ कुंठा पा लिया, और द्रौपदी के 5 पुत्रों का मार दिया गया, उसने वैकुंठ बना लिया,
तो आज हमको ये सीखना है कि हम कुंठा में रहना चाहते हैं या वैकुंठा में रहना चाहते हैं, मैं डिप्रेशन में रहना चाहती हूँ या मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ। तो ये हमें बहुत बड़ा हेल्थ का मंत्रा देता है कि हमें भगवान पे जितनी हमारी शरणागति रहेगी, जितना हमारा भगवान के साथ संबंध रहेगा, उतना मैं शरीर से स्वस्थ रहूंगा, दिमाग से स्वस्थ रहूंगा और मैं अच्छा कार्य कर पाऊंगा, मैं बुरे कार्य नहीं कर पाऊंगा, ना मेरा ये वाला जीवन खराब होगा ना मेरा अगला जीवन खराब होगा। तो आज हमने ये वाला श्लोक भी कवर कर लिया। और इसमें एक और चीज बताने की है कि अभिमन्यु की भी दो वाइफ्स थी जो हमें नहीं पता, एक थी वत्सला और एक थी सुभद्रा। जो वत्सला थी वो बलराम जी की डॉटर थी, और जो सॉरी सुभद्रा कह रही, सुभद्रा के तो पुत्र थे वो, और दूसरी वाइफ थी उत्तरा जो कि विराट किंगडम की थी, जिसे अर्जुन ने नृत्य सिखाया था उत्तरा। और उत्तरा के ही पुत्र जो थे वो थे परीक्षित महाराज, जिन्होंने आगे ये लाइन चलाई थी। ठीक है, तो आज हमने श्लोक नंबर 6 भी कवर कर लिया है, और इससे हमने एक बहुत अच्छा मेडिकल का वो लिया है कि कैसे मैं अपने आप को वैकुंठ में अपने आप को कर सकता हूँ, और कैसे मैं कुंठा को दूर कर सकता हूँ द्रौपदी और द्रोणाचार्य के एग्जाम्पल से। और मेरे को अपनी लाइफ के दुर्योधन को पहचानना है, और जैसे मैं उनको पहचानूंगा, जब तक मैं दुश्मन को पहचानूंगा नहीं तब तक मैं दुश्मन को दूर कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभी ये सबको ठीक है या मैं उसको रिपीट करूं, किसी का कोई प्रश्न अभी? सो बस आज की क्लास यहीं तक, अगले बार एक बार नेक्स्ट श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सब अपने हैंड्स, अब मेरे को रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है ना, कुंठा एंड वैकुंठ का सबको समझ में आ गए। तो लेट्स एंड आवर क्लास है, सब अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। मैं क्लासेस शॉर्ट इसलिए रख रही हूँ ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर कर पाए, छोटे छोटे मेडिकल लेसन हम ले पाए और हम उनको अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है, तो हरे कृष्ण एवरीबॉडी, लेट्स एंड आवर क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे 7th, है ना, 7th और 8th करने का प्रयास करेंगे। अपनी लाइफ में पहचानिए दुर्योधन को, और मेरे को प्लीज मेल कीजिएगा कि कौन कौन आपको लगता है कि आपकी लाइफ का दुर्योधन है जो आपको कुंठा में लेके जाता है, और फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे हम दुर्योधन को पहचाने और वो कुंठा उसको दूर करें भागवत गीता के विजडम से, और कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। सो हरे कृष्ण एवरीबॉडी, और आज विजया द्वादशी है, आज अच्छा दिन है, एक एक्स्ट्रा माला चैंट कीजिएगा, बहुत अच्छा दिन है, हमेशा ये सक्सेस लेके आएगा, स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए लेके जाता है। और द्वादशी के दिन जो होते हैं चैरिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कभी भी चैरिटी का करने का सोचो कि किसी को दान पुण्य करने का सोचो तो द्वादशी से अच्छी तिथि नहीं है, द्वादशी से पे किया गया दान बहुत फलदायक होता है, ये एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।